मित्रों, डायबिटीज के मैनेजमेंट में जब इंसुलिन की आवश्यकता पड़ती है तब हम अक्सर इसको बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड समझने लग जाते हैं। पेशेंट के लिए भी यह एक दुविधा वाली स्थिति होती है और कई बार क्लिनिशियन के लिए भी यह दुविधा होती है कि आखिर इस पर्टिकुलर पेशेंट में हम इंसुलिन कैसे शुरू करें, कौन सी इंसुलिन आरंभ करें, किस प्रकार का रेजिमन प्रयोग में लाएं और उसके बाद उस पेशेंट को उस रेजिम पे कैसे बेहतर तरीके से कंट्रोल में ला सकें। तो आइए कुछ केसेस के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं कि किसी व्यक्ति के लिए कौन सा इंसुलिन रेजिमेन किस परिस्थिति में आरंभ करना चाहिए एवं उसको किस प्रकार से उसकी डोजेज को एडजस्ट करके पेशेंट को एक स्ट्रिक्ट डायबिटीज कंट्रोल में लाया जाना चाहिए। हमारा पहला केस एक 55 ईयर ओल्ड फीमेल है जिनको 5 ईयर्स हिस्ट्री है डायबिटीज की, जो ओबीस है और जो ट्रिपल ड्रग थेरेपी पर है, मेटफॉर्मिन 2000 मिलीग्राम पर डे, ग्लिमिप्राइड 4 मिलीग्राम पर डे एवं पाइरोलिडोन 15 मिलीग्राम पर डे। और इन ट्रिपल ड्रग थेरेपी पे सिग्निफिकेंट डोजेस पे उनकी फास्टिंग आफ्टर ब्रेकफास्ट आफ्टर लंच ब्लड ग्लूकोज लेवल 214, 232 और 227 मिलीग्राम परसेंट है। इसका मतलब वह काफ़ी अनकंट्रोल्ड है। A1C भी उनका 10.6% निकला। तो यहाँ प्रश्न यह उठता है, क्या इस पेशेंट को इंसुलिन की आवश्यकता है? अगर है तो उसमें हम इंसुलिन किस प्रकार से आरंभ करें, किस डोज से आरंभ करें और उसकी डोज को अप टाइट्रेट करके हम कैसे कंट्रोल करें, और यदि हम पेशेंट को इंसुलिन आरंभ कर रहे हैं तब उसकी ओरल हाइपोग्लाइसमिक मेडिसिन का हमें क्या करना है। सबसे पहले प्रश्न का उत्तर देने के लिए कि इस पेशेंट को इंसुलिन की आवश्यकता है या नहीं, आइए हम अपने इंडियन इंसुलिन गाइडलाइंस की मदद लेते हैं। यह इंडियन इंसुलिन गाइडलाइंस हमको यह बताती हैं कि वास्तव में किसी पेशेंट को एट द टाइम ऑफ डायग्नोसिस ऑफ डायबिटीज भी इंसुलिन की आवश्यकता पड़ सकती है जब वो सिग्निफिकेंट हाइपरग्लाइसीमिया के साथ प्रेजेंट करे या उसको कोई एक्यूट मेडिकल प्रॉब्लम या सर्जिकल प्रॉब्लम हो। इसके अलावा आफ्टर ओएडी फेल्योर, जब ओरल हाइपोग्लाइसेमिक मेडिसिंस काम नहीं कर रही उस स्थिति में भी विशेष तौर पे फास्टिंग 150 पीपी 200 और A1C 8.5% से ऊपर हो सब्सटेंशियल ओरल ड्रग्स के बाद, 2 से 3 ड्रग्स ऑप्टिमल डोजेस पे दे जाने के बाद भी अगर इतनी ब्लड ग्लूकोज लेवल रहती है तब हमें इंसुलिन के विषय में अवश्य सोचना चाहिए। तो इसके आधार पर हम ये कह सकते हैं, हमारी गाइडलाइंस ये सजेस्ट करती हैं कि यह पेशेंट जो पहले से ट्रिपल ड्रग थेरेपी ले रही है जिसका A1C 10% से ऊपर है उसको इंसुलिन आवश्यकता तो बनती है। आइए हम समझते हैं कि इसकी फास्टिंग पीपी ब्लड ग्लूकोज हमको क्या सिखाते हैं। देखिए, फास्टिंग 214 है और आफ्टर ब्रेकफास्ट आफ्टर लंच 232 और 227 है। अगर इन तीनों को देखें तो हम ये समझ सकते हैं कि इस लेडी में एक प्रिडोमिनेंटली फास्टिंग हाइपरग्लाइसेमिक स्टेट है, अर्थात फास्टिंग हमारी 100-110 की जगह जस्ट डबल 214 है, जबकि फास्टिंग के कंपेरिजन में पोस्ट प्रांडियल लेवल्स बहुत ज़्यादा बढ़े हुए नहीं है। तो इस प्रकार से अगर फास्टिंग हाइपरग्लाइसीमिया है और अगर हम फास्टिंग को 100 कम कर लें, 214 से 114 ले आए, तो हम शायद यह प्रिज्यूम कर सकते हैं कि इनके पीपी वैल्यूज भी 100-100 कम हो जाने चाहिए। तो इस प्रकार से यह केस जो फास्टिंग हाइपरग्लाइसीमिया के साथ में आया है, इसमें हम फास्टिंग को अगर हम फोकस करें तो शायद पोस्टप्रांडियल वैल्यूज को भी हम कंट्रोल में ले आए। आइए हम एक तथ्य और जानने की कोशिश करते हैं कि इसका HbA1c जो 10% से भी ऊपर है वह हमें क्या सिखाता है। एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टडी मोनियर एट ऑल ने की थी और इसमें यह सीखने को मिला कि हमारा डिफरेंट लेवल्स ऑफ HbA1c पे फास्टिंग का और पोस्ट प्रांडियल का कंट्रीब्यूशन कितना होता है। इस स्टडी में यह देखा गया कि जब HbA1c 10.2 जो फर्स्ट बार है 10.2% से भी ऊपर रहने पर, ग्रीन कलर से हम देख रहे हैं फास्टिंग ग्लूकोज का कंट्रीब्यूशन 70% है और येलो बार्स हमें दिखा रही पोस्ट प्रांडियल का कंट्रीब्यूशन केवल 30% है।
अर्थात सीवियर हाइपरग्लाइसीमिया में फास्टिंग ग्लूकोज लेवल ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं एचबीए1सी लेवल को इन कंपैरिजन टू पोस्टप्रांडियल। आइए दूसरे एक्सट्रीम पे देखते हैं, लेस देन 7.3% एचबीए1सी में हम देख रहे हैं, यहाँ पर येलो बार लंबी है ऑलमोस्ट 70% जबकि ग्रीन बार केवल 30%। अर्थात जैसे जैसे हम 10% से 7.3 पे आते जा रहे हैं, हम देख रहे हैं कि ग्रीन बार्स छोटी होती जा रही है, अर्थात फास्टिंग का कंट्रीब्यूशन कम होता जा रहा है और येलो बार्स ऊंची होती जा रही है, अर्थात पोस्ट पैंडेमिक का कंट्रीब्यूशन ज्यादा होता जा रहा है। इसका अर्थ क्या हुआ कि सीवियरली हाइपरग्लाइसेमिक पेशेंट में फास्टिंग वैल्यू को कंट्रोल करने से एचबीए1सी रिडक्शन ज्यादा बेहतर मिलेगा, जबकि जैसे जैसे पेशेंट नियर नॉर्मल कंट्रोल पे आता जाएगा हमें पोस्ट प्रांडियल वैल्यूज पे ज्यादा कंसंट्रेट करना पड़ेगा। नियर नॉर्मल हाइपरग्लाइसीमिया में पोस्ट प्रांडियल वैल्यूज हमारे एचबीए1सी को ज्यादा कंट्रीब्यूट करती है। तो इस प्रकार हमारे इस पेशेंट में फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल जो कि 200+ था, वह भी कह रहा है कि फास्टिंग को कंट्रोल करो शायद पीपी अपने आप कंट्रोल में आ जाए, और एचबीए1सी जो 10% है वह भी हमको यह गाइड कर रहा है कि अगर हम फास्टिंग को कंट्रोल करें तो एचबीए1सी में रिडक्शन ज़्यादा मिलेगा इन कंपेरिजन टू पोस्टप्रांडियल। तो इस प्रकार से ऐसे पेशेंट्स के लिए जो बहुत जस्टिफाइड कार्य प्रणाली है वह है फिक्स फास्टिंग फर्स्ट, अर्थात फास्टिंग हाइपरग्लाइसीमिया को कंट्रोल करो शायद पोस्टप्रांडियल का काम अपने आप चल जाएगा। अब प्रश्न यह उठता है कि फास्टिंग हाइपरग्लाइसीमिया कैसे उत्पन्न होता है। याद रखें, रात का भोजन 8-10 बजे जब भी लिया गया हो वह अधिक से अधिक 3-4 घंटे तक ब्लड ग्लूकोज उत्पन्न करेगा। 10 बजे लिया गया भोजन भी अपने उससे जो शुगर निकल रही होगी वो 2 बजे तक नॉर्मल आ जाएगी, अर्थात हमारे मील रिलेटेड हाइपरग्लाइसीमिया 4 बहुत से बहुत 5 घंटे से ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। तो मॉर्निंग लेवल्स अगर हमारे ग्लूकोज के हाई हैं तो वह हमारे इवनिंग डिनर को से ज़्यादा ज़्यादा गवर्न नहीं करते। वास्तव में मॉर्निंग ब्लड ग्लूकोज लेवल्स हमारे हेपेटिक ग्लूकोज आउटपुट से निर्धारित होते हैं। जैसे जैसे हमारे ओवरनाइट ब्लड ग्लूकोज लेवल्स फॉल करती हैं, हम जानते हैं कि मॉर्निंग में एक कॉर्टिसोल सर्ज होती है, अर्ली मॉर्निंग आवर्स में कॉर्टिसोल सिक्रीट होता है जो कि ग्लाइकोजन को ब्रेकडाउन करा के ग्लाइकोजेनोलिसिस से ग्लूकोनियोजेनेसिस से वह ब्लड ग्लूकोज उत्पन्न करता है, वो ग्लूकोज उत्पन्न करता है जो ब्लड ग्लूकोज लेवल्स को बढ़ाता है। तो मॉर्निंग हाइपरग्लाइसीमिया हमारा एक्सेलरेटेड हेपेटिक ग्लूकोज आउटपुट का परिणाम होता है, और यह हेपेटिक ग्लूकोज आउटपुट जो कि काउंटर रेगुलेटरी हॉर्मोन्स स्पेशली कॉर्टिसोल सर्ज के कारण से होता है, वह बहुत स्मॉल डोजेज ऑफ इंसुलिन से आराम से कंट्रोल में आ जाता है। तो इस प्रकार यह थ्योरेटिकल बेसिस हमको यह सिखाता है कि यदि फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल हाई है तो स्मॉल डोजेज ऑफ इंसुलिन अगर हम इसको नाइट टाइम लेते हैं तो वह इसको बहुत इफेक्टिवली सप्रेस कर सकती है। तो इस प्रकार यह एक इंसुलिन रेजिमेन एक उपयोग में लाया गया जिसमें हम इवनिंग में एक इंसुलिन इंटरमीडिएट एक्टिंग या लॉन्ग एक्टिंग देते हैं जिसको हम बेसल इंसुलिन कहते हैं, और उसको हम इस थ्योरी पे देते हैं कि वह हेपेटिक ग्लूकोज आउटपुट कम करके फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल्स को सप्रेस करेगी। इस बेसल इंसुलिन को हम या तो डिनर के पहले या रात को सोते समय देते हैं, अगर इसमें शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन भी साथ में मिली है तब यह डिनर के पहले दी जाएगी, अन्यथा अगर केवल बेसल इंसुलिन है, केवल इंटरमीडिएट इंसुलिन या लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन, केवल एनपीएच इंसुलिन या ग्लार्जिन या डेटामिन इंसुलिन, तब हम इसको एट बेड टाइम देते हैं जिससे फास्टिंग लेवल पर इसका इफेक्ट काफ़ी अच्छा मिल सके। अगला प्रश्न है, इसको हम कैसे आरंभ करेंगे। एक तो सजेशन यह है कि इसको हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन के आधार पर आरंभ करें, अर्थात पेशेंट का वेट कितना है, 0.1 टू 0.2 यूनिट्स ऑफ इंसुलिन पर केजी बॉडी वेट उससे कैलकुलेट कर लें। जैसे हमारे ये पेशेंट 55 केजी की हैं तो 0.1 यूनिट के हिसाब से 5.5 यूनिट, 0.2 यूनिट के हिसाब से 11 यूनिट्स इंसुलिन, इनमें बेसल इंसुलिन की आरंभ की जाए।
परंतु ध्यान रहे, जब भी हम पेशेंट को ओपीडी सेटिंग में इंसुलिन प्रेस्क्राइब कर रहे हैं, इट इज़ बेटर टू स्टार्ट विद स्मॉलर डोसेस। तो एक प्रैक्टिकल अप्रोच जो हमारे स्मॉल बिल्ड लो वेट वाले इंडियन पेशेंट्स के लिए जस्टिफाइड है, स्टार्ट विद 6 to 8 यूनिट्स ऑफ बेसल इंसुलिन एट बेड टाइम। रात में 6 से 8 यूनिट इंसुलिन आरंभ करें। ओरल डोजेस का क्या करना है? इस केस में हम बेसल इंसुलिन सपोर्ट दे रहे हैं, अर्थात जो जो पुरानी दवाएं चल रही हैं इंक्लूडिंग सल्फोनिल यूरिया, उनको हम वैसे ही चलने देंगे। केवल मॉर्निंग फास्टिंग हाइपरग्लाइसीमिया सप्रेस करने के लिए इवनिंग शॉर्ट इवनिंग लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन बेसल इंसुलिन हम ऐड करेंगे। तो इवनिंग बेसल इंसुलिन देते समय हम पुरानी मेडिसिन में कोई परिवर्तन नहीं करते। हाँ, थायरॉइड जोन्स, इसके विषय में एक जरूर सजेशन है कि इंसुलिन भी वाटर रिटेंशन करती है, थायरोजोलिडिन डायोन्स पायोलिड जोन वो भी वाटर रिटेंशन करते हैं, या दोनों मिलके वाटर रिटेंशन ज़्यादा कर सकते हैं। इसलिए जो पेशेंट्स जिनमें फ्लूड रिटेंशन की प्रॉब्लम आ सकती है, उनमें हम पायोलिड जोन को अवॉइड करना एक पॉलिसी कंसीडर कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं, यदि इस पेशेंट में हम बेसल इंसुलिन के रूप में एनपीएच इंसुलिन को प्रयोग में ला रहे हैं तो क्या होता है। इस क्रम में हम देख सकते हैं, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट मील, आफ्टरनून लंच मील, इवनिंग डिनर मील लेने के बाद हमने सोते समय ग्रीन कर्व से जो दिखाया है एनपीएच इंसुलिन आरंभ की। यह एनपीएच इंसुलिन धीरे धीरे इसका इफेक्ट बढ़ता है और इसके बाद 6 to 8 आवर्स में पीक आने के बाद इसका इफेक्ट 12, 13, 14 आवर्स तक धीरे धीरे कम होता जाता है। इवनिंग में दी गई इंसुलिन ये नेक्स्ट मॉर्निंग की फास्टिंग ग्लूकोज लेवल्स को सप्रेस करने में मदद करती है। तो इस प्रकार हमने जाना, एनपीएच इंसुलिन को जब हम बेड टाइम पर देते हैं तो ये हमारी फास्टिंग हाइपरग्लाइसीमिया को कंट्रोल करता है। अब यदि हमें फास्टिंग हाइपरग्लाइसीमिया को कंट्रोल करने के लिए कितनी डोजेस एनपीएच इंसुलिन की देनी है, इसको डिसाइड करते हैं, जिसको हम कहते हैं इंटेंसिफिकेशन ऑफ डोज, जिससे कि हम अपने टारगेट फास्टिंग हाइपरग्लाइसीमिया को अचीव कर सकें। तो जब हम इवनिंग एनपीएच इंसुलिन दी एट बेड टाइम, फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल टेस्ट की, यदि यह 90 mg/cl से कम है, तब हम नहीं चाहते कि इससे कम वैल्यू जाए। ऐसे में तो हम एनपीएच की डोज को 2 यूनिट्स रिड्यूस करेंगे। हमारा टारगेट है 90 to 110 mg/cl फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल को रखना। आरंभ में हम 90 to 120 भी टॉलरेट करते हैं, तो 90 to 120 रहने पे हम इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। लेकिन यदि 120 mg/cl से फास्टिंग ग्लूकोज लेवल ज़्यादा है, उस केस में हम एनपीएच की डोज को 2 यूनिट इंक्रीज कर देंगे। यदि हमारी फास्टिंग ग्लूकोज लेवल 160 से भी ज़्यादा है, तब इंक्रीमेंट 4 यूनिट्स में भी किया जा सकता है। हालांकि यहाँ पे मेरा रिजर्वेशन यह है कि क्योंकि अधिकतर आजकल केसेस हम ओपीडी लेवल्स पे ठीक करते हैं, ओपीडी लेवल पे उनको इंसुलिन इनिशिएट करते हैं और डोजेस को टाइट्रेट करते हैं, तब बहुत हड़बड़ाने की जगह पर हम 2 यूनिट इंक्रीज करें, 1 या 2 दिन बाद दोबारा देख के अगर तब 120 प्लस हो तो हम 2 यूनिट और इंक्रीज कर दें। लेकिन आरंभ में जब ब्लड ग्लूकोज लेवल बहुत ज़्यादा है, तो उस समय फास्टिंग लेवल 160 प्लस होने पर हम एनपीएच की डोजेस में 4 यूनिट्स का भी इंक्रीमेंट कर सकते हैं। तो इस प्रकार जब बेसल इंसुलिन आरंभ की, तो इसका फर्स्ट स्टेप था इनिशिएशन ऑफ बेसल इंसुलिन, जिसमें हमने 6 to 8 यूनिट ऑफ एनपीएच इंसुलिन बेड टाइम देके आरंभ की। अब नेक्स्ट स्टेप आता है, इसको हम कैसे इंटेंसीफाई करें जब तक हम अपना गोल अचीव ना कर लें। इसके लिए हम ये देखते हैं कि हमारी इस केस में जिसमें प्री ट्रीटमेंट लेवल्स 214 और 233 mg/cl थे, सारी मेडिसिन सेम रखते हुए जब 6 यूनिट्स एनपीएच बेड टाइम दी, 2 डेज के बाद फास्टिंग ग्लूकोज लेवल 256 था, हमने उसको 4 यूनिट्स बढ़ा के 10 यूनिट्स किया, 2 दिनों के बाद ये 198 आया, पहले से फॉल किया लेकिन अभी हाई है, 120 से प्लस होने के कारण से हमें 2 यूनिट्स बढ़ाना था, 160 से भी अगर फास्टिंग लेवल हाई है तो हमने लिखा था, प्लान किया था कि हम 4 यूनिट्स बढ़ाएंगे, तो हमने इसको 10 को 14 यूनिट्स किया। जब 2 दिन बाद 6 डे पे देखा फास्टिंग, इट केम डाउन टू 156।
अब ये 160 के अंदर आ गई, इसलिए अब हम इसको स्मॉल डोज इंक्रीमेंट्स देंगे, 2 यूनिट बढ़ा के 16 यूनिट्स किया। 8th डे पे ये 128 आ गई, अभी 120 से प्लस है, इसलिए हमने 2 यूनिट्स और बढ़ाया, 18 यूनिट किया। और ऑन 10th डे जब हमने फास्टिंग शुगर देखा तो ये हमको 92 मिलीग्राम पर सेट हुई। तो इस प्रकार से हमने अपना गोल जब तक हमने अचीव नहीं किया, हमने ऑल्टरनेट डेज पे इसकी 2-2 या आरंभ में 4-4 यूनिट्स, बाद में 2-2 यूनिट्स करके और 18 यूनिट्स तक हम इसे ले आए और फास्टिंग ग्लूकोज हमारी विद इन नॉर्मल लिमिट्स आ गई। हमें यह ध्यान रखना है कि जैसे जैसे हम हाइपरग्लाइसीमिया को कंट्रोल करते हैं, ग्लूकोटॉक्सिसिटी हमारी कम हो जाने से सारी मेडिसिन का और इंसुलिन का अपना भी इफेक्ट और इम्प्रूव करता जाता है। यह समय रिलैक्स होने का नहीं है, यह समय हमें ज़्यादा विजिलेंट होने का है कि पेशेंट में हाइपोग्लाइसीमिया ना होने लग जाए। इसी पेशेंट में जब हमने देखा तो 15th डे पे फास्टिंग वैल्यू हमें 88 मिलीग्राम परसेंट मिली और अब हमने पोस्ट प्रेंडियल पे भी कंसंट्रेट करना आरम्भ किया, वह 196 मिलीग्राम परसेंट मिली। हम देख रहे हैं कि फास्टिंग और फॉल कर रही है सेम यूनिट पर भी, इसलिए आज हमने उसकी एनपीएच इंसुलिन की डोजेस को 2 यूनिट घटा के 16 यूनिट्स कर दिया। पोस्ट पैंडियल वैल्यूज ज़्यादा हैं, इसलिए अब हम यह सोच सकते हैं कि पोस्ट पैंडियल हाइपरग्लाइसीमिया को कंट्रोल करने के लिए कुछ एडिशन अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर्स जैसे कार्बोज इस केस में जोड़ा गया। और जब 5 दिन बाद दोबारा देखा तब यह फास्टिंग 83 और पीपी 145 मिलीग्राम परसेंट थी। देखिए अब 16 यूनिट पर भी हमारी ग्लूकोज फास्टिंग लेवल और कम आई, जो यह डिमांड करे कि एनपीएच की डोज को और घटाया जाए। इस प्रकार पहले हमें एनपीएच की डोज को 18 यूनिट्स तक बढ़ाना पड़ा, लेकिन अब उसकी डोज अपने आप धीरे धीरे फॉल करके और 14 यूनिट्स पे आ गई। यह फिर उस बात पे पॉइंट आउट करती है कि कंट्रोल के बाद हमें डाउन ट्राइट्रेशन के लिए भी बहुत सतर्क रहना है। हमें पेशेंट को यह वॉर्न करना है, यह समझाना है, यह इस बात पे एम्फेसिस देनी है कि वह ब्लड ग्लूकोज को मॉनिटर करता रहे और जैसे ही उसको लोअर साइड में जाता हुआ देखे इंसुलिन की डोजेस को रिड्यूस कर दे। तो इस प्रकार मित्रों, जब हम बेसल इंसुलिन रेजिम आरंभ करते हैं तो हमें क्या क्या विशेष ध्यान देना है कि जैसे जैसे ब्लड ग्लूकोज लेवल नॉर्मल होता जाए हम मिडनाइट वैल्यूज पे कंसंट्रेट करें और इसको 2-4 AM पे चेक करके यह ध्यान रखें कि 100 मिलीग्राम परसेंट के नीचे यह वैल्यू ना जाने पाए। यहाँ एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्लू की तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूँ कि कई बार जब हम मिडनाइट टेस्टिंग नहीं कराते किसी भी वजह से और हम ये देख रहे हैं कि हम इंसुलिन की डोजेस बढ़ा रहे हैं लेकिन फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज वैल्यू बढ़ती जा रही है, जबकि हमें एक्सपेक्ट करते हैं कि इंसुलिन की डोज बढ़ाने पे फास्टिंग वैल्यू कम आएगी। हमने इंसुलिन की डोज बढ़ाई, फास्टिंग बढ़ गई, और बढ़ाई, फास्टिंग और बढ़ गई, और इंसुलिन बढ़ाई, फास्टिंग और बढ़ गई। यह एक क्लू है जो यह बताता है कि लुक फॉर मिडनाइट हाइपोग्लाइसीमिया। एक सोमदी इफेक्ट हो सकता है जब मिडनाइट हाइपोग्लाइसीमिया हमारे काउंटर रेगुलेटरी हॉर्मोन्स को प्रोड्यूस करके मॉर्निंग हाइपरग्लाइसीमिया प्रोड्यूस करेगा। तो वास्तव में ऐसे में हमें इंसुलिन की डोजेस बढ़ानी नहीं है, ऐसे में हमें इंसुलिन की डोजेस घटानी है। तो यह हमेशा ध्यान रखें कि बेसल इंसुलिन रेजिम में जैसे जैसे ब्लड ग्लूकोज लेवल नियर नॉर्मल लेवल्स पे आती जाए मिडनाइट हाइपोग्लाइसीमिया को रूल आउट करना है, जिससे वह पेशेंट के लिए रिस्की ना हो। तो मित्रों, यदि किसी पेशेंट में मिडनाइट हाइपोग्लाइसीमिया के चांसेस ज़्यादा है तो हमें क्या ऑप्शंस हैं हमारे सामने और हम क्या कर सकते हैं। हम ये जानते हैं इंसुलिन काइनेटिक्स के आधार पे कि एनपीएच इंसुलिन की पीक 6-8 आवर्स में आती है, उसके बाद उसका एक्शन कम होते होते 12-14 आवर्स में नॉर्मल आने लग जाता है। तो बेड टाइम दी हुई इंसुलिन, मान लीजिए रात में 10 बजे भी इंसुलिन दी गई तो उसका 6 आवर्स मतलब 4 बजे उसका पीक इफेक्ट होगा और 4 बजे पेशेंट सो रहा है, वह उस वक्त हाइपोग्लाइसीमिया करा सकती है। इसलिए हम अगर कोई पीक लेस इंसुलिन या लेस पीकिंग इंसुलिन यूज़ करें तो वह बेहतर होगी। और यही एडवांटेज है अगर हम बेसल इंसुलिन रेजिम में एनपीएच की जगह ग्लार्जिन इंसुलिन को यूज़ करते हैं।
ग्लार्जिन इंसुलिन की पीक कम होने के कारण से मिडनाइट हाइपोग्लाइसीमिया के चांसेस कम होते हैं, क्योंकि ग्लार्जिन इंसुलिन का इफेक्ट 22 टू 24 आवर्स तक चलता है, इसलिए फास्टिंग हाइपरग्लाइसीमिया पर इसका इफेक्ट एनपीएच के कंपैरिजन में ज्यादा होगा। तो मिडनाइट हाइपोग्लाइसीमिया के चांसेस तो कम होंगे, लेकिन फास्टिंग कंट्रोल के चांसेस ग्लार्जिन से और बेटर हो जाएंगे। इसके अतिरिक्त जब ग्लार्जिन का इफेक्ट डे टाइम में भी परसिस्ट करेगा तो कुछ हद तक ये पोस्ट प्रांडियल लेवल्स को भी कम करेगा। इस प्रकार से अगर हम बेसल इंसुलिन रेजिम में एनपीएच की जगह ग्लार्जिन को यूज करते हैं तो इसके तीन एडवांटेजेस हैं, मिडनाइट हाइपोग्लाइसिमिक चांसेस को कम करना, फास्टिंग को और बेहतर तरीके से कंट्रोल करना, एवं पोस्ट प्रांडियल वैल्यूज को डे टाइम ब्लड ग्लूकोज लेवल्स को भी और बेहतर तरह से कंट्रोल में लाना। इस प्रकार से हमारे पास जो दो ऑप्शन हैं एनपीएच इंसुलिन और ग्लार्जिन इंसुलिन, उनमें ग्लार्जिन बेसल इंसुलिन के रूप में एक बेहतर विकल्प है। धन्यवाद।